सबका मानसिक स्थिति अलग अलग है, इसलिए सब लोग क्या डिफरेंट प्रोसेस को चूज कर रहे हैं। तो जिसका मानसिक स्थिति कर्म प्रधान है वो कर्मयोग को चूज करेगा, जिसका मानसिक स्थिति ज्ञान प्रधान है वो ज्ञान योग को चूज करेगा, जिसका मानसिक स्थिति में ध्यान प्रधान है वो ध्यान को चूज करे, ध्यान उसको अच्छा लगता है, जिसको प्रेम में रुचि है भाव में रुचि है वो भक्ति को क्या करेगा चूज करेगा। तो इस प्रकार की सिस्टम इसकल में भी देखेंगे, इसकल भक्तियों का कल्ट है लेकिन उसमें भी ज्ञान योग रहते, जिसको पढ़ना लिखना प्रवचन देना स्टडी करना एनालाइज करना उसमें इंटरेस्ट ओके ना, और ध्यान योग चैटिंग में ध्यान नहीं, उनका क्या है ब्रेन नाम है वही 64 राउंड, जब तक 64 राउंड नहीं होता है तब तक वो उठेंगे, ध्यान योग कर्म योग सेवा में पूरा क्या है दिन रात वो सेवा करें, सेवा में उनको मजा आता है। और भक्ति होगी प्रेमी हरे कृष्णा कीर्तन में मजा आएगा, गाने में नाचने में इस प्रकार रहता है, लेकिन हमें चारों पर ठीक है एक कोई नहीं रहता है, बट मानसिक स्थिति इसमें किसका रुचि रहता है, इसलिए भगवान कहते हैं कोई कर्म योग में रुचि रखता है कोई ज्ञान योग में रुचि रखता है।